हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बागा बीच। आज है हमारा गोवा में डे नंबर 2 और फिलहाल हम हैं गोवा बीच में एंड अभी ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे पालोलेम बीच की तरफ। एंड कल हम रात को ही यहाँ पहुँच गए थे क्रिसमस पार्टी करने के लिए। एंड आज पार्टी ख़त्म होने के बाद फिलहाल हम जाएंगे चर्च वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आज 25 दिसंबर है एंड क्रिसमस के ओकेजन में हम चर्च विजिट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे साउथ गोवा पालोलेम बीच। एंड आज का स्टे हमारा वहीं पे है। सुबह को मैंने रेंटल कार ले लिया, उसका भी वो दिखाता हूँ आपको थोड़ा टाइम बाद। एंड बस दैट्स इट, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। आपको हम आज एक्सप्लोर कराएंगे गोवा के चर्चेस और उसके बाद ले चलेंगे पालोलेम बीच तक। लेट्स गो। हमने होटल अपना चेकआउट कर दिया और सामान रखने के लिए गाड़ी में जा रहे हैं। एंड यहाँ से हम सीधा जाएंगे कुछ गोवा के जो मेन चर्चेस वगैरह है वो देखेंगे एंड उसके बाद फिर निकल जाएंगे साउथ गोवा की तरफ। हमारा रेंटल कार नहीं काम कर रहा है। ये कार अभी हमारे साथ रहेगा 28 तारीख तक। छोगा तो हैप्पी नहीं दिस वन। अभी हम जा रहे हैं ओल्ड गोवा एंड पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है एंड यहाँ पे थोड़ा नारियल वारियल ठीक है, फिर हम निकलते हैं पहले ओल्ड गोवा, वहाँ पे चर्च विजिट करेंगे एंड उसके बाद फिर हम जाएंगे पालोलेम। और आज का स्टेज वो है हमारा पालोलेम बीच पे ही होगा। आज है हमारा गोवा में डे 2, सो लेट्स गो। क्योंकि आज क्रिसमस का दिन है तो ओल्ड गोवा जाने के लिए ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया। आगे भी जाम और पीछे भी जाम। ये आपका नॉर्थ से साउथ और ओल्ड गोवा कनेक्टिविटी का ब्रिज। अगर आपको नॉर्थ से साउथ जाना है, साउथ से नॉर्थ आना है, तो आपको इसी ब्रिज से होके आना पड़ेगा। कॉफी लिए, ग्लास लिए और फिर वहाँ अभी चर्च में जाएंगे। और चर्च के अंदर गाड़ी पार्किंग करके हम आ गए चर्च में पैदल। एक डुप्लीकेट सनग्लास भी ले लिया क्योंकि अपना सेट जो है घर पे छोड़ के आ गए। डुप्लीकेट टैटू, डुप्लीकेट ग्लास सब।
चलिए अभी सर्च के अंदर आगे रह सके चर्च मेरे ख्याल से नहीं होगा, ये म्यूजियम होगा क्योंकि भीड़ काफ़ी कम है। एंड देखते हैं आगे, फिलहाल यहाँ से हम निकलते हैं एंड यहाँ पे फिर आपको टिकट्स भी लेने होते हैं। ये सामने टिकट काउंटर है, काफ़ी धूप है यार। आज का दिन का हमारा पहला साइट सीइंग है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एंड इसके बाद फिर हम जाएंगे चर्च पे। यहाँ पे एग्जीबिशंस वगैरह सब कुछ होता है, हमने टिकट्स लेके अंदर नहीं गए। अभी चलते हैं चर्च की तरफ। आज डे टू है, डे टू में हमने पहले बागा बीच से निकले, फिर हम नॉर्थ गोवा से ओल्ड गोवा आए। ऑन द वे कुछ रिफ्रेशमेंट नारियल वगैरह पी लिए, नारियल पानी वगैरह, एंड फिलहाल हम हैं ओल्ड गोवा में। एंड दो तीन सबसे फेमस चर्च को विजिट करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे पालोलेम की तरफ। आपके सामने ये है ओल्ड गोवा का म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम से सीधा निकलते हुए रोड क्रॉस करके आपको ये सामने रहा चर्च। चर्च का इतना बड़ा लाइन है, चलिए किसी और दिन विजिट कर लेंगे, अब इतने लंबी लाइन में से तो हम जा नहीं पाएंगे। चर्च से निकल गए और यहाँ पे शाम को आओगे साउंड एंड लाइट्स होते हैं। सो दैट्स इट। चर्च ख़त्म होने के बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे पालोलेम बीच की तरफ। तो मेरे पीछे रह गया बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एंड इस तरफ पीछे है म्यूज़ियम। एंड ये दोनों साइट सीइंग करने के बाद अभी हम वापस से गाड़ियाँ बैठेंगे और हम निकल पड़ेंगे पालोलेम बीच की तरफ, विच इज़ इन पालोलेम। और आज रात का स्टे भी वही होने वाला है। सो दैट्स इट, बने रहिए हमारे साथ। अभी वापस गाड़ियाँ बैठते हैं और निकलते हैं बिना कोई रुकावट पालोलेम बीच की तरफ। ओल्ड गोवा से अभी हम फिलहाल निकल चुके हैं साउथ गोवा के लिए पालोलेम बीच। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र होगा। गाड़ी आराम से जाए, पता जाने नसीब सब फ्रेश है।
Our Lady Rosary. लगता है पूरा बीच बीच में ही गाड़ी उतार देंगे। तो ये है पालोलेम बीच। तो ये है हमारा वाला भी है और ऊपर वाला भी है। सो देखते देखते सनसेट भी हो गया और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सनसेट का पालोलेम बीच के ऊपर। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा एंड खाली देखने से मज़ा नहीं आना चाहिए, आप खुद भी यहाँ आइए और एक्सपीरियंस करिए। सो दैट्स इट, डे नंबर 2 पालोलेम। और यहाँ पे अभी हमारा स्टे होगा सनसेट के साथ ही हम डिनर करने के लिए ले चलेंगे, साथ में आपको भी ले चलेंगे। ये हम मूनराइज, उधर सनसेट हो गया और यहाँ पे मूनराइज हो गया। वाह। सो इसको कहते हैं सुकून। मेरे फैमिली बिजी है क्रैब्स ढूंढने में, बेबी क्रैब्स ढूंढने में, बट अपने डे टू डे लाइफ से निकल के ऐसे यू क्रैब के साथ खेलना और ये अफोर्ड कर पाना एट द फर्स्ट प्लेस बहुत बढ़िया लगता है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन फैमिली टूर, सोलो टूर ठीक है बट रादर देन सोलो टूर, अगर आप साल में 10 सोलो टूर करते हो तो आई बिलीव कि 10 के जगह आप एक फैमिली टूर कीजिए। फैमिली इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग,
इस दुनिया में, इस कायनात में देर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम फैमिली। आई एम ए वेरी हार्ड बिलीवर ऑन द। और बाय द वे शाम हो गए और तंदूर लग चुका है और ये रहा हमारा सी फूड का प्लेटर। हर एक रेस्टोरेंट के सामने ऐसा अलग अलग सी फूड का प्लेटर मिलेगा। चलिए डिनर पे मिलते हैं। एंड ये रहा मेरा आज का डिनर, सारे फैमिली साथ में बैठ के घर में भी खाते हैं बट आज थोड़ा माहौल अलग है। कैंडल लाइट डिनर खाली वाइफ को नहीं करा रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर अपने बेटे को करा रहे हैं, अपने मम्मी को करा रहे हैं, अपने भाई को करा रहे हैं। बाय द वे इस डिनर का बिल हाई पे कर रहे हैं। कुडूस तो हिम। सो दैट्स इट गाइस, बहुत ही अच्छा शाम रहा, बहुत ही बढ़िया शाम रहा। पालोलेम बीच इज ए मच मस्ट गो बीच फॉर ऑल फैमिली टूरर्स। जो भी फैमिली का ट्रैवल करते हैं गोवा में आए तो मुझे, हमारा तो एक दिन का स्टे है बट मन से मुझे ऐसा लग रहा है कि दो दिन का कास्ट दो दिन का स्टे। सो एक वाव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट्स इट, बढ़िया यही पे है। सो आज का वीडियो शायद हम यहीं से अप करेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अभी नहीं दिया दिया गाइस। आज डे नंबर टू का जो ब्लॉग होगा वो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हो बहुत ही रोमांटिक माहौल बन गया। पलोनी में इज मोर काइंड ऑफ ए फैमिली बीच। तो अगर आप इंडियन फैमिली हो या फिर फॉरेन फैमिली कोई भी हो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा फूड, खाना तो बहुत लाजवाब है। और जैसे बागा में ना थोड़ा हैपनिंग सा है, मतलब वहाँ पे पार्टी डांस ये सब है बट यहाँ मोर काइंड ऑफ आपका, अब देख पा रहे हो मेरे पीछे कैंडल लाइट डिनर टाइप का है तो सारे जगह पे वैसा ही सेटअप है। एंड मोस्टली कपल्स ही है इस बीच में एंड फैमिली और कपल्स। सो दैट्स इट, कल हम जाएंगे बटरफ्लाई बीच एंड यहाँ से टूर कराएंगे सुबह 7 बजे। तो मिलते हैं एक नए दिन के साथ एंड टिल देन अगर इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पीछे आप एक बार पालोलेम बीच में जो वेव्स है, ये बीच भी कम्पेरेटिवली बहुत शांत है कम्पेरेटिवली बागा। एंड दैट्स इट, अगर वीडियो पसंद आया होगा काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अभी हम जा रहे हैं सोने एंड कल सुबह मिलते 7 बजे डे नंबर 3 में हम करेंगे। कल हमारा है पालोलेम के एरिया में हम घूमेंगे, मोस्ट प्रोबेबली स्कूटी से भी घूमेंगे एंड उसके बाद फिर हमारा शाम को आपका हाउस बोट में स्टे है। डे नंबर 3 में आपको हम दिखाएंगे गोवा में हाउस बोट में स्टे करेंगे और सुबह में बटरफ्लाई बीच वगैरह जाएंगे, डॉल्फिन साइटिंग्स के लिए जाएंगे। तो दैट्स इट, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, नया चैनल है तो काइंडली प्यार दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बाय।